हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदि और आप देख रहे हैं आदि गेमिंग यूट्यूब चैनल को। आज की इस वाली वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं कि टाइटैनिक का मैप माइनक्राफ्ट में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर खोलना है, वहाँ पर सर्च करना है एडवांस फॉर माइनक्राफ्ट। जब आप एडवांस फॉर माइनक्राफ्ट सर्च कर लेंगे तब एडवांस फॉर माइनक्राफ्ट वहाँ पर दिखेगा, आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे हमारा एडवांस फॉर माइनक्राफ्ट डाउनलोड हो चुका है और अभी उसे इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और यहाँ पे हमारा एडवांस फॉर माइनक्राफ्ट इंस्टॉल हो चुका है, अभी हम इसे ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा एडवांस फॉर माइनक्राफ्ट ओपन हो चुका है। इसके बाद जब ये ओपन हो जाए आपको जाना है इसके सर्च सेक्शन पे, जो नीचे दिख रहा है सर्च सेक्शन पे जाके आपको सर्च करना है टाइटैनिक। जो ऊपर की तरफ को मैप होगा वो वाला मैप और ज़्यादा अपडेटेड वर्जन के लिए है, पर ये मैप मैं आपको 16.11 वर्जन के लिए बता रहा हूँ। ये वाला मैप आपको डाउनलोड करना है, ये जो टाइटैनिक वाला मैप दिख रहा है ये थोड़े नीचे जाके होता है। अब जो हो जाए यहाँ पे आपको इसे खोलना है और मैं आप पे आपको थोड़ी सी इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ कि ये मैप कैसा होगा। और यहाँ पे हमारा टाइटैनिक का मैप बस होने ही वाला है। और ये यहाँ पे हमारा टाइटैनिक का मैप डाउनलोड हो चुका है, अभी इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको कर लेना है ओके और यहाँ पे अलाउ कर लेना है, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी गाइस। और यहाँ पे हमारा टाइटैनिक का मैप खुल चुका है। और मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जब हमारा वो लिखा आ जाए कि माइनक्राफ्ट जैसे ही खुलता है ऊपर लिखा आ जाए लेवल इंपोर्ट हैज़ स्टार्टेड, जब वो पूरा हो जाए लेवल इंपोर्ट हैज़ सक्सेसफुली फिनिश्ड ये लिखा आ जाए तभी आपको वहाँ पे प्ले का बटन दबाना है। और मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहीं पर टूर करा देता हूँ कि हमारा ये टाइटैनिक का मैप कैसा होगा। और अभी हम यहाँ पे अंदर चलते हैं, यहाँ से नीचे कुछ सीढ़ियाँ जा रही हैं, यहाँ पर नीचे चलते हैं। और यहाँ पर नीचे एक डेक आ चुका है, अभी यहाँ पे इस कमरे में जाके देखते हैं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। अभी हम यहाँ से दूसरे कमरे में चलते हैं, वहाँ देखते हैं अंदर यहाँ टाइटैनिक के मैप में क्या है। ये तो मुझे थोड़ा सा किचन टाइप एरिया लग रहा है इसमें। और यहाँ से आगे कुछ और सीढ़ियाँ आ चुकी हैं, पर हम सीढ़ियों पर ना जाके थोड़े आगे चलते हैं। और यहाँ पर थोड़े अलग से दरवाजे लगे हैं, अभी यहाँ पर आगे और दरवाजे हैं, यहाँ से और आगे जाते हैं तो ये यहाँ पे डाइनिंग एरिया आ चुका है। और ये अभी हम यहाँ से थोड़े आगे और आए, यहाँ पे शायद से वीआईपी डाइनिंग एरिया है ये। और यहाँ से आगे फिर से वैसे ही अजीब से गेट।
तो ये शायद से वो जगह आ चुकी है जहां पर वो घड़ी लगी थी। और ये यहाँ से हम सीढ़ियों की तरफ से ऊपर चलते हैं। और ये हम यहाँ से ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ से इस तरफ चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे थोड़े से फ्लावर रखे हैं और ये यहाँ से हम बाहर आ चुके हैं। और ये हम यहाँ से नीचे चलते हैं और ये हम यहाँ से नीचे चलते हैं और यहाँ पर ये थोड़ी सी लाइफ बोट्स रखी हुई हैं। और ये हम फेंस के गेट को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे थोड़े ही आगे एक सीढ़ियाँ नीचे के लिए आ चुकी हैं। और ये वो जगह है शायद से जहाँ से वो कैप्टन का कमरा होता है। और यहाँ हम कैप्टन के कमरे में आ चुके हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो नहीं है और ये एक और कमरा यहाँ पे है छोटा सा। अरे बाहर निकल जा। अरे हाँ, तो हम यहाँ पे बाहर आ चुके हैं। ये बिल्कुल मेन डेक हैगा शिप का। यहाँ से नीचे चलते हैं और ये हम यहाँ से थोड़े और अंदर के एरिया में आ चुके हैं। बेडरूम टाइप एरिया है। यहाँ से चलिए बाहर चलते हैं। अभी हम यहाँ पे बिल्कुल मेन डेक पे आ चुके हैं। अभी ये फेंस का गेट क्रॉस करके हम आगे चलते हैं और यहाँ बिल्कुल मेन डेक है जहाँ से हमारी ये टाइटैनिक डूबी थी। और गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में।